अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम CS201 का GTP सॉल्व करेंगे। यहाँ उन्होंने हमें एक क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन को पढ़ने पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, जैसा आपको उर्दू में मोटा मोटा बता देती हूँ। यानी कि उन्होंने कहा है कि XY यूनिवर्सिटी है जिसने टेस्ट कंडक्ट किया है और 100 स्टूडेंट ने उसमें पार्टिसिपेट लिया है। आफ्टर कंडक्टिंग टेस्ट कंडक्ट करने के बाद यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि वो जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट की वो शो करेगी वेब पोर्टल में, जैसे कि हमारा VU का LMS होता है उस तरह, और इस तरह शो करेगी जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं स्टूडेंट के उसको पहले नंबर पे शो हो, और जिसके कम हैं वो कम पे कम उससे जितने भी कम आते जाएंगे सब, यानी कि जो हाई वाला है वो हाई पे शो और जो लो वाला लो पे शो हो, जिसके जितना रैंक बनता है। उसके बाद आया कि सपोज करते हैं कि यूनिवर्सिटी ने हमें हायर कर दिया CS प्रोग्रामिंग के लिए और डिज़ाइन, और हमारा टास्क है कि हमने राइट करना है कंप्यूटर प्रोग्राम को और फाइंडिंग और रिसर्च ऑन मार्क्स इन द सॉर्टेड डेटा, यानी कि डेटा सॉर्ट हुआ हुआ है और उसमें से हमने फाइंडिंग और रिसर्च करने हैं मार्क्स, यानी कि कोई भी हम क्यूरी डालें और एक स्टूडेंट का रिजल्ट निकला, जैसे कि हम रोल नंबर डालते हैं और स्टूडेंट का रिजल्ट अपेयर हो जाता है। यूनिवर्सिटी हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड फाइंड टू स्पीड अप द प्रोग्राम फॉर सर्चिंग। यूनिवर्सिटी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उन्होंने हमें कहा है कि हमने बताना है विच सर्चिंग अल्गोरिदम बेस्ट है, कौन सा लीनियर या बाइंडिंग में, तो हमने इसके लिहाज से बताना है कौन सा बेस्ट है और जस्टिफाई करना है आंसर। ये GTP आपका 5 नंबर का है, तो इसमें आपने कम से कम 3 पॉइंट लाजमी लिखने हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को करने से पहले, क्योंकि बाज़ अवकात ऐसे भी होता है जो आपका GTP होते हैं या असाइनमेंट्स वगैरह आती हैं वही आपके पेपर में आ जाती हैं, तो इसलिए आपको ये क्लियर होना चाहिए लीनियर और बाइनरी एल्गोरिदम क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहला है, लीनियर सर्च इज़ अ एल्गोरिदम टू फाइंड एन एलिमेंट इन द लिस्ट बाय द सीक्वेंस चेकिंग द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट अनटिल फाइंडिंग द मैचिंग एलिमेंट। यानी कि ये ऐसा एल्गोरिदम है जिसमें एक सीक्वेंस से जो चेक करता है, चेक करने के बाद उसे फाइंड करता है, मतलब चेकिंग सीक्वेंस से चेकिंग होते फाइंड करने के बाद वो डेटा देता है। इस प्रोसेस में उसको टाइम लग जाता है। यूनिवर्सिटी कहती है ऐसा डेटा हो जो स्पीड अप हो, यहाँ लिखा है टू फाइंड द स्पीड अप प्रोसेस फॉर सर्चिंग, जो सर्चिंग के लिए स्पीड अप करे। और बाइंडिंग सर्च इज एल्गोरिदम डेट फाइंड द पोजीशन ऑफ टारगेट वैल्यू विद द सॉर्टेड एरिया। यानी कि हमने क्या करना है कि अगर हम कोई रोल नंबर डालते हैं बाइंडिंग सर्च में तो वो हमारा फटाफट निकल जाता है। लिखा है टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द टारगेट वैल्यू, जो भी टारगेट वैल्यू होगी वो हमें डेटा दे देगा। उसके बाद है बाइंडिंग सर्च इज अ, जो हमें सूटेबल है इस फंक्शन के लिए वो सूटेबल है बाइंडिंग सूटेबल है। पहले आपने बाइंडिंग की थोड़ी डेफिनेशन लिख लेनी है, ठीक है, अपनी वर्डिंग में। उसके बाद आपने पहला पॉइंट लिखना है, बाइंडिंग सर्च इज मोर एफिशिएंट देन द लीनियर सर्च इन केस ऑफ अ लार्ज डेटा सेट इट इज़ अ फास्टर। जो बाइंडिंग सर्च है वो मोर एफिशिएंट है लीनियर इक्वेशन से, और इसमें लार्ज नंबर डेटा भी हो तो वो आराम से कौन से मैनेज हो सकता है, और ये फास्टर है सर्च में, क्योंकि जो भी हम क्वेरी डालते हैं वो फटाफट निकाल देता है, बजाय कि वो एक सीक्वेंस से चेक करे और उसके बाद डेटा रिप्रेजेंट करे। टू फाइंड द एलिमेंट इन अ मिडल वैल्यू, और ये फाइंड करता है एलिमेंट मिडल वैल्यू, यानी कि ये नहीं कि अब जो पहले नंबर पे है उसको देखेगा दूसरे को देखेगा, जैसे लीनियर में हो रहा है। कोई भी हमने डेटा डाला और उसके बाद फाइंड कर दिया, मिडिल वैल्यू से ही डेटा हमें जो भी रिजल्ट चाहिए होगा वो हमें फाइंड करके दे देगा। उसके बाद है बाइंडिंग सर्च इज सूटेबल फॉर अ लार्ज डेटा सेट एज इट्स अ लेस टाइम। बाइंडिंग सर्च जो है वो मोर लार्ज डेटा सेट के लिए सूटेबल है बजाय, और टाइम भी कम लेता है। बाइंडिंग सर्च कैन बी इम्प्लीमेंट ओनली वन डिमेंशन एरा, वो इम्प्लीमेंट करता है वन डिमेंशन। इट इज़ ऑन अ कंकर रूल, इट रिसर्च पोजीशन ऑफ अ टारगेट वैल्यू विद अ सॉर्टेड एरा, और इसका रूल जो है ये रूल अप्लाई करता है और पोजीशन ऑफ टारगेट वैल्यू विद ना कोई भी पोजीशन होगी सर्चिंग की टारगेट वैल्यू को सॉर्टेड एरा वो फटाफट मालूम कर। इट इज़ अ मैंडेटरी टू हैव अ लिस्ट टू बी सॉर्टेड, यानी कि मैंडेटरी है कि डेटा लिस्ट हुआ हुआ हो, यानी कि ऊपर उन्होंने बताया कि जो सॉर्ट डेटा किया हुआ, सॉर्ट हमने डेटा को छांटी किया या एक तरतीब से दिया हुआ है वो उससे हमने सर्च करना है, लेकिन लीनियर इक्वेशन जो लीनियर जो रिसर्च होती है उसमें डेटा का सॉर्ट होना ज़रूरी नहीं है मैंडेटरी, लेकिन इसमें डेटा का होना मैंडेटरी है। तो इस तरह से आपने 3 पॉइंट लाजमी इसमें से लिख लेने हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक फॉर वॉचिंग।